इंडियन बाइक में आ चुकी है सुनामी, और क्या हम इस फ्रैंकलिन को बचा पाएंगे इस सुनामी से, ये तो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। और ये सुनामी काफी ज्यादा बड़ी है, इसने पूरी सिटी को अपने अंदर समा लिया है। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा है, हमारे शहर के अंदर आने वाली है सुनामी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे इंडियन बाइक गेम के अंदर सुनामी कैसे आ सकती है, तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, आज जो है हमारा फ्रैंकलिन उठ चुका है और इसका आज मीटिंग है हमारे डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ में, जो कि इस सिटी के जाने माने डॉक्टर हैं। और वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उनको हमारे फ्रैंकलिन की हेल्प चाहिए। और देखिए आज हमारा फ्रैंकलिन क्या कहता है भाई। तो गाइस देखिए, आज है मेरे पास में बहुत सारी जी वैगन कार, जो कि मेरे दोस्त ने मेरे को सेंड की है, और आज हम इसको ड्राइव करने वाले हैं। और मेरी आज मीटिंग है डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ में, तो चलिए उनसे मिलते हैं। और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए गाइस, अभी हम चलते हैं डॉक्टर झटका के लैब के अंदर, क्योंकि उन्होंने हमको बुलाया है और मुझे लगता है कि आज कुछ ज़्यादा मसला हो चुका है भाई। पता नहीं आज डॉक्टर ऑक्टोपस ने मेरे को क्यों बुलाया है। तो मैं आ चुका हूँ डॉक्टर ऑक्टोपस की लैब के बाहर, और अभी हमारी जी वैगन को हम रोकते हैं और चलते हैं अंदर। ये रही डॉक्टर झटका की लैब, जो कि इतनी ज़्यादा बड़ी है। ये देखिए गाइस, इसके सामने टावर भी लगा हुआ है इसका, और ये लैब इतनी ज़्यादा बड़ी है। और ये रही हमारी जी वैगन रेड कलर की, ये भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो चलिए चलते हैं लैब के अंदर। डॉक्टर ऑक्टोपस, मैं आ चुका हूँ, मैं हूँ फ्रैंकलिन, मुझे कृपया अंदर आने दीजिए भाई। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है गाइस। तो हम अभी आ चुके हैं लैब के अंदर, ये कुछ ज़्यादा ही आज बड़ी लग रही है। ये क्या है, इतने सारे मशरूम यहाँ पे गिरे हुए हैं। डॉक्टर ऑक्टोपस क्या हुआ है आपको, आप तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्या हुआ है बताओ मुझे कुछ। अरे फ्रैंकलिन, मैं एक मिसाइल बना रहा था, और जिससे कि मैं यहाँ पर हमारे इंडियन बाइक के अंदर जितने भी डेजर्ट है वहाँ पे मैं हरियाली लाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन मेरा एक्सपेरिमेंट विफल हो चुका है और सारे मशरूम जो है इस केमिकल से बाहर आ चुके हैं। और तुम देख ही सकते हो यहाँ पे एक मिसाइल पड़ी हुई है, ये एकदम एक्सपायर हो चुकी है, कुल मिला के ये रेडियो एक्टिव है और इसका इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता हूँ, और तुम्हें इसे उठाकर समुद्र में फेंकना पड़ेगा, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो गाइस हमें डॉक्टर ऑक्टोपस की हेल्प करनी चाहिए, और मैंने उनकी मिसाइल जो है हमारी कार के अंदर, जो कि जी वैगन कार है, इसके पीछे लोड कर दिए। अब फटाफट हम चलते हैं इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सेफ जगह होगी हमारा ओशन, जो कि समुद्र है, हम उसके अंदर इस मिसाइल को फेंक देंगे, जहाँ पर किसी को भी नहीं पता चलेगा कि हमने एक मिसाइल को समुद्र के अंदर फेंका है। तो गाइस मैंने अभी फेंक दिया है मिसाइल को समुद्र के अंदर, और चलते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस की लैब में, उनका क्या कहना है। मैंने मिसाइल को सेफली डिस्ट्रॉय कर दिया है, अभी हम आ चुके हैं लैब के बाहर, फिर से हमारी जी वैगन को पार्क करते हैं और चलते हैं भाई लैब के अंदर। डॉक्टर ऑक्टोपस, मैंने उस मिसाइल को समुद्र के अंदर फेंक दिया है। फ्रैंकलिन, तुमने जो मिसाइल को समुद्र के अंदर फेंका है, उससे हमारे समुद्र के अंदर बहुत ही बड़ी सुनामी आने की आशंका बताई जा रही है टीवी के ऊपर। ये देखो, बहुत ही बड़ा यहाँ पे तूफान आने वाला है, ये देख सकते हो तुम। और मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि कोई भी सुनामी से नहीं बचने वाला है, तुम भी इस शहर को छोड़कर भाग जाओ, वरना फिर तुम भी मर जाओगे सुनामी के अंदर। तो वैसे डॉक्टर ऑक्टोपस ने हमको चेतावनी दे दी है कि हमको इस सिटी को छोड़ना पड़ेगा, और कोई भी इस सिटी के अंदर जो सुनामी आने वाली है उससे कोई नहीं बचने वाला है, तो हमें भी इस सिटी से भागना पड़ेगा। लेकिन मैं इस सिटी को नहीं छोड़ सकता हूँ यार। चलो कोई बात नहीं, अब ये सिटी नहीं रहने वाली है तो हमको इसे छोड़कर जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे बीच पर एक बोट होगी, उसको लेके मैं दूसरे शहर में चला जाऊँगा भाई। ये काफ़ी अच्छा मेरा प्लान है, तो चलते हैं भाई। बाकी हमारी जी वैगन भी भाई हमने नई ली थी, मेरे दोस्त ने मेरे को 3-3 जी वैगन मुझे गिफ्ट करी थी, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास इस सिटी को छोड़ने के सिवा और कोई चारा नहीं है। तो अभी हम आ चुके हैं बीच पर, और आपको सामने एक टापू टाइप का कुछ दिख रहा होगा, घर वगैरह, यहाँ पर ही पड़ी रहती है बोट भाई। लेकिन यहाँ पर मुझे बोट क्यों नहीं दिख रही है, अब रुको अभी दिख जाएगी, कहाँ पर है। तो गाइस देखिए, मैं भी बोट को लेके आ चुका हूँ हमारे समुद्र के बीच में, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बिजली कड़क रही है, और आप लोग देख सकते हो हमारा सिटी का माहौल एकदम चेंज हो चुका है। ये क्या बे, इतना बड़ा गाइस, ये देखो समुद्र के अंदर तूफान आ चुका है, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, फिर से सिटी के अंदर जाना पड़ेगा भाई। और गाइस मैं भी बीच पे खड़ा हूँ, और ये देखिए हमारे शहर के अंदर जो समुद्र है उसके अंदर बड़ी बड़ी लहर है, उफान पर है, और ये कभी भी हमारे शहर को घेर सकती है। तो अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो मेरे पास एक आइडिया है, मैं लिखूंगा RGS टूल के अंदर राफ्ट, और मेरे पास आ जाएगी एकदम छोटी सी बोट,
जिससे कि मैं जब हमारे शहर के अंदर सुनामी आएगी तो मैं उससे बच जाऊंगा। और जैसे ही मैंने लिखा है राफ्ट, तो मेरे पास में एक नोटिफिकेशन आया है, उसके अंदर लिखा हुआ आया है थार मिशन। तो चलिए अभी हम कंप्लीट करना पड़ेगा थार मिशन को। तो ये रहा वो गाइस थार मिशन, जो कि देखिए कितना ज़्यादा भाई बड़ा है। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कितना ये बड़ा रैंप है। तो ये रहा हमारा बिग फैन, और इसके पास में एकदम तगड़ा सा भाई रैंप का एरिया है। ये देखिए इतने सारे फैन लगे हुए हैं और इतना बड़ा मिशन बनाया गया है भाई। इसको हमने अगर पूरा कर लिया तो हमको मिल जाएगी राफ्ट, जिससे कि हम सुनामी से बच सकते हैं। तो ये है मेरा प्लान। चलिए अभी हम इस वाले मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं भाई। बाकी ये कुछ ज़्यादा बड़ा है और मुझे लग रहा है कि मैं कर दूंगा। तो ये रही हमारी थार, और मेरी पता नहीं ड्रेस कैसे चेंज हो चुकी है। बाकी मैंने पहले पैंट पहन रखी थी, इन्होंने मुझे पता नहीं क्या पहना दिया है। बाकी चलते हैं इस मिशन को कंप्लीट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस देखिए अभी हमें आ चुका हूँ आधे मिशन पर, और सामने भाई ये देखिए तीन तीन बिग फैन है, इनको मैं मुझे पार करना पड़ेगा। अबे गिरे, बच गए, नहीं गिरे, बच चुके गाइस। और गाइस देखिए जो भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आप आज क्या कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ, अगर मैंने ये वाला थार मिशन को कंप्लीट कर लिया है तो मुझे मिल जाएगी राफ्ट, जिससे कि सहायता से मैं हमारे शहर के अंदर सुनामी आने वाली है उससे बच जाऊंगा। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। और जो भी लोग हमारी वीडियो को अगर जरा सी भी अच्छी लग रही है आप लोगों को, तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हम अभी इस वाले मिशन को कंप्लीट कर लेंगे, मुझे रिवर्स में ले जानी पड़ेगी हमारी थार को, लेट्स गो। तो गाइस देखिए अभी मैं रिवर्स में ले जा रहा हूँ मेरी थार को भाई, ये एकदम मक्खन चल रही है गाइस। और मैं आपको बता दूं हमारे गेम के अंदर न्यू अपडेट आ चुका है, और अगर आप लोग डिमांड करोगे न्यू अपडेट से रिलेटेड एक वीडियो बनाने की, तो मैं वो बना दूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी चलते हैं हम आगे, बाकी हमारा मिशन मुझे लग रहा है कि लगभग आधा हो चुका है। चलते हैं भाई आगे, बाकी काफ़ी तगड़ा मिशन बनाया है, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। बच गए, अभी गिर जाते हैं फ्रैंकली भाई थोड़ा आराम से। और गाइस हमें फटाफट यार ये मिशन करना पड़ेगा, बाकी हमारे शहर के अंदर कभी भी सुनामी आ सकती है भाई। मैं क्यों इतना ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, मैं क्या बताऊँ गाइस, इतना ज़्यादा पैनिक हो रहा हूँ मैं, जिसकी कोई हद नहीं है। फटाफट मिशन करते हैं और लेट्स गो। ये हम नीचे गिरे, और ये लो बिग फैन ने हमको नीचे गिरा दिया है। हाँ भाई गिरा ही दिया है। बाकी हमने मिशन कंप्लीट कर लिया है लगभग, बस हमको थोड़ा सा आगे जाना है, और मिशन हुआ कंप्लीट, और अब हमको मिलने वाली है राफ्ट। तो गाइस ये रही हमारी राफ्ट, जिसकी किस सहायता से हम सुनामी से बच पाएंगे, और इसको मैं ले जाने वाला हूँ मेरे घर पर। भाई ये काफ़ी ज़्यादा नाजुक सी लग रही है, बाकी ये काम हो जाएगा गाइस इससे हमारा। बाकी मैंने इसको लेके आ चुका हूँ हमारे घर पर, और अभी मुझे नींद आ रही है, बाकी सुबह देखते हैं भाई, इतना जल्दी अभी सुनामी नहीं आने वाली है। बाकी काफ़ी अच्छी है ये, अगर फ्रैंकलिन सुबह जल्दी नहीं उठा तो ये भी सुनामी के अंदर डूब जाएगा। बाकी ये अपनी राफ्ट को लेके आ चुका है घर के अंदर, अब देखते हैं कि सुबह क्या होता है। चलो भाई फ्रैंकलिन तू सो जा, बाकी मैं मिलता हूँ तेरे से सुबह है, ठीक है, तू जल्दी उठ जाना, बाकी सुनामी आ जाएगी। और गॉइस ये क्या, फ्रैंकलिन का घर तो पानी के अंदर डूब चुका है, और फ्रैंकलिन भी सुनामी के अंदर डूबने वाला था, लेकिन इसका बेड पानी के ऊपर तैर रहा है, इसकी राफ्ट कहाँ पे गई है? ये तो इसके साथ स्कैम हो चुका है, हमने फ्रैंकलिन को उठाने का ट्राई भी नहीं किया, और मुझे भी नहीं पता था हमारा फ्रैंकलिन भाई सो रहा है, इसके पास तो राफ्ट थी, इसका पूरा शहर डूब चुका है। तो गाइस देखिए मेरा पूरा शहर डूब चुका है भाई, दूर दूर तक कोई भी बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और बाकी आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी हम सिटी को नहीं बचा पाए भाई।